इस वक्त हम मौजूद हैं बेंजीन इनकम स्पोर्ट के सेंटर में। सेंटर क्या है, एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर ये रश आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खवातीन, मुझे बताया जा रहा है कि सहरी के टाइम से यहाँ पर आकर बैठी हुई है ताकि उनकी बारी आ जाए। सुबाते साथ ही सिस्टम नहीं चलता और उसके बाद सिखर दोपहर खड़ी हैं, वो कोई शेड का इंतज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अंदर शख्स जो है, आते साथ ही हमें कंप्लेन मिल गई, वो पैसे काट रहा है, 1000 रुपया कम दिया इस आपकी को। ये मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? कितने बजे आए हो तुम? 2 बजे दिए हूँ, 3 महीने का बच्चा छोड़ के, फिर भी 1000 रुपया काट लिया। 1000 रुपया काट लिया? कितनी देर पहले पैसे लिए आपने? मैंने 5 मिनट लिए। और हमारे आने के बाद वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उन खवातीन को कि पैसे दिखा के जाना, मैं पूरे दे रहा हूँ। पता लग गया कि मीडिया की ताकत क्या है। आए जरा आपसे बात करते हैं, आए मेरे साथ। ये देखें जी, ये छोटा सा काउंटर और दुकान लगाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे खवातीन खड़ी है। मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दें आप जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिस्क के तहत पैसे दे रहे हैं आप? खातून कंप्लेन कर रही हैं, 1000 रुपया काटा आपने इनका 1000 रुपया काटा आपने, और हमारे आने पे पूरे पैसे मिलना शुरू हुए। बहुत खवातीन कह रही है ऐसा होता है, हमने रंगे हाथ पकड़ा है। एक मिनट, ये जो बीबीओ भाई किसी एजेंट से लेते हैं ना पैसे, उनको होता है जो हमारे पास ड्रेस आ रही है बीबीओ जिनके चित्र, इन्होंने पैसे रखे आपके? इसको ये नहीं पता कि कितने पैसे, इसको हम बता रहे हैं कितने पैसे है। 28,000 रुपया मैसेज आया हुआ होता है, इसको मैसेज नहीं आता। मैसेज नहीं आता? क्यों नहीं आता आपको? मैसेज नहीं आया? नहीं, मेरा मैसेज आया सी साल का। पता से कितने महीने दी किस्त? मुझे रास्ता दे जरा, पीछे हटे भाई, जरा साइड पे हो, मुझे अंदर जाना। तीसरी किस्त आनी है सी तड़िया? तीसरी किस्त 28,000 रुपए, इसके थंब नहीं आ रहे थे, अभी इसके थंब आए हैं। इसको नहीं पता कितने पैसे आए, इसको पूरे 28 बताया है, इसको पूरा सर पता है। सर पता होता है, ऐसे ना करें। इस खातून के 1000 रुपए काटे, किसने काटे मुझे बताए? जब ये टोकन आप इधर से दे के जा रहे हैं पैसे, तो गिन के क्यों नहीं लेके जा रहे? तो ले जा रही है 1000 रुपया हम लेंगे, ऐसा नहीं। तो किसी खातून गुड़िया ने लिए हैं, मुंह पे बता रहे हैं। किसने 1000 रुपया लिया इनकम से? आपने भी लिया? किसी ने नहीं पैसे, आपने लिया। टोकन कौन दे रही है? टोकन सुबह मैंने टोकन भी दिया। क्या ये सामने खड़े हैं आपके, किसको 1000 रुपया दिया आपने? इन्होंने काट लिया, आपने काट लिया 1000 रुपया। सर टोकन आप दे रहे हैं? सुबह 9 बजे टोकन तो सीन करते हैं। टोकन सिस्टम तो चल ही नहीं रहा ना कहीं पर भी, फर्स्ट कम फर्स्ट के सर्विस पे दे रहे हैं, तो जो टोकन दे रहा है वो 1000 रुपया रख रहा है। सवाल ही पैसे लेता, 1 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया भी इसका 1000 रुपया कौन वापस करेगा? मुझे इसका 1000 वापस करना बात नहीं है। इधर ये अगर इधर से नोट पूरे गिन के नहीं ले जाएगी तो हमारी, वो कह रही है आपने रख लिए, ऐसा नहीं हो रहा। सामने के लिए वो रख लिए भाई, ये तो जाती ना ना आपको अभी भी इससे पहले बेबी लेके ये पैसे बुलाए? हाँ, आपने उनको कहा कि मुझे बता के जाए, वो मुझे बता के गई, वो मुझे बता के गई, इनका 1000 रुपया वापस करें। नहीं, क्यों जान दे, क्यों जान दे, 1000 रुपया नाश्ते ही नाश्ते है। कोई बात नहीं का क्या मतलब है? आप लोग अपने अपने खिलाफ खुद ही काम कर रहे हैं। आपका हक है वो 1000 रुपया, इनका हक नहीं है। अगर ये गिन के नहीं, आप क्यों कह रही है कि छोड़ दिया? ये गिन के काउंटर से मैं कह रहा हूँ, निकाल रहे गिन के जाए, तो ये गिन के क्यों नहीं जा रहे? किसने गिने? नहीं गिने, गिने या नहीं? आपने कहा 1000 रुपया, 1000 रुपया किसने कहा? मुझे इन दोनों में से बताएं किसने कहा। इन्हें उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने अंगूठा लगवाया, उन्होंने फिर पहले तस्वीर बनाई, फिर इन्होंने मुझे चेंज कर। इन दोनों में से किसने 1000 रखा? उन्हें भाई, आपने 1000 रुपया रखा है, रमजान का थोड़ा ख्याल कर ले, इसका 1000 रुपया वापस करें। 1000 रुपया वापस करें? ना ना ना, उसका 1000 रुपया वापस करें। 10,000 रुपया दे देता हूँ, लेकिन भाड़िया भी इसे क्यों नहीं गिन के चाहिए भाई? उन्होंने रख लिए, आपको खुदा कॉफी नहीं है? गरीब लोगों के पैसे रख रहे हैं आप और नीचे मुकर के बैठे हुए हैं। सर आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपके लिए पैसे दे रही है गवर्नमेंट यहाँ पर। ये नोट चेक करें कितने, तस्वीर खींचने के बाद 1000 निकाल लेते हैं। सवाल ही पैसा वो कह रही है, उनका 1000 रुपया वापस करें। सवाल ही पैसा, आप उनका 1000 रुपया वापस करें। आपको शर्म नहीं आई रमजान में? क्या नहीं काटे? काटे हैं उनके 1000 रुपया आपने? शर्म कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट उनके लिए पैसे दे रही है, आपके लिए दे रही है? बेहतर है पैसे दे दें आप उनके 1000 रुपये वापस करें। 1000 रुपये वापस करें उनका। एक मिनट ठहर जाओ। काटे नहीं है, लेकिन ये बीबी की जरा ये गलती है कि ये देखिए कुरान शरीफ है, 1000 रुपया काटा है आप लोगों ने। मैं कह रही हूं भाई, मेरे आने से पहले 3 कंप्लेंट्स मिली मुझे, इसलिए आए। एक भी कंप्लेंट, ये कंप्लेंट आप वापस लाए हैं? मैं आ गई ना, कैमरा आ गया, अब आप सीधा काम करना शुरू हो गए। 1000 रुपया काट रहे हैं आपके आने से पहले लाइन से खड़े हैं। अभी आपने लेने हैं, अभी आपने लेने हैं, आप देखें। चले जी, 1000 रुपया मिल गया आपको, 1000 वापस दिलाया है। किसी के पैसे अगर ये काटे आपने, मुझे बताना, मेरा नंबर ले लें। मैं खड़ी हूँ बाजी, कैमरा खड़ा है इसलिए। मेरे तो पहले तो यार ही काट दो पैसा, कोई पैसा मुझे काट दो। सर जी,
सर टोकन टोकन के ऊपर लाइन का अपना इंतजाम करें। अब कैमरा हम आ गए हैं, मुझे लगता है कि रोज हमें ना डेस्क के सेंटर बाहर आके खड़ा हो जाना चाहिए ताकि इनको पैसे पूरे मिले। 1000 रुपया मिल गया, अभी भी वो खुश होके अपना बच्चा उठा के 1000 रुपया लेकर चली गई। अगर ये पैसे काटेंगे तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मेरा नंबर ले ले, मैं अभी आपको देती हूँ। ये माएँ जो हैं वो दरख्वास्त कर रही हैं मुझे कि आप इधर ही खड़ी रहें, तभी पैसे पूरे मिलेंगे, वरना ये पैसे काट लेंगे। तो कह रहे हैं आपके जी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, मुझे ये ना हो गया, खतरे ये नहीं, मुझे अंगूठे के निशान नहीं आ रहे, नहीं अंगूठा भी आ रहा। फिर कह रहे हैं जी तेरे ब्लॉक हो गए, देखो मैं भी हूँ करा के, तो कह रहे हैं चेक कराया तुम अंदर, मैं इधर ही खड़ी हूँ, अम्मा जी कह रही है यहाँ से आपने हिलना नहीं है, आप इधर ही खड़े रहे, कह रहे पिन कोड नागरा, तो जाके पिन कोड लगाया तुसी? हाँ जी नहीं मैं उधर नहीं गई, मैं भी उधर ही से आई। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का काम ना हमें करना पड़ेगा, हर रोज एक 20 घंटों के बाहर जाके खड़े हो जाए ताकि इन बेचारे मुस्तहिक लोगों को जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो उनको पूरे मिल सके। ये जो टोपियाँ पहन के अल्लाह माफ़ करे रमज़ान के अंदर खुदा खौफ ही नहीं है कि इन गरीब लोगों से जो 8-8, 10-10 घंटे से यहाँ पर आकर बैठे हैं उनका 1000-1000 रुपया काट रहे हैं यहाँ पे, और ये अम्मा जी बहुत सर मुझे इशारा करी जा रही है कि यहाँ से हिलना नहीं है, तो मैं खड़ी हूँ देखती हूँ आपकी बारी कब आनी है, बारी कब आनी है आपकी। अभी तो हम सुना के भैया खड़े हैं, अभी आ रहे हैं बस, अब हम लाइन ही क्यों नहीं लगवाते हैं भाई, ये मेरे भाई हम जानते हैं तो मेरी बहन, अच्छा आप मुझे क्यों कह रही हैं कि लाइन के बगैर पैसे, ये मुझे क्यों कह रही हैं, मेरी बात से पूछ रही हैं क्यों कह रही हैं मुझे लाइन के बगैर पैसे, इन्होंने कहा 2 बजे आप आ जाना मैं आ गई। अभी तो क्यों आपके पास टोकन है, आप दिन के 50 ट्रांजेक्शन करते हैं, 50, 60, 70, 80 इतनी होती है, हम ऐसा करते हैं जब सिस्टम क्लियर चल रहा होता है ना तो 50 टोकन जब खत्म हो जाते हैं तुम्हारा नए सिरे से टोकन देते हैं, 2 बजे तकरीबन टोकन देते हैं, लेकिन जो अभी तक 39 में चल रहा है 39-40 हो गए हैं, अभी इसके बाद जैसे पूरे हो जाएंगे दोबारा टोकन, सिस्टम तो चल रहा है दोबारा टोकन, आप उधर जाके खड़े हो जाए वो कह रहे हैं 50 लोग पूरे हो जाएंगे तो फिर टोकन देंगे। सर आपका मसला ये बताएंगे मुझे, इसके आइडिया नहीं आ गया, मैं अभी उधर से ही आई हूं, आप मुझे नंबर लेके दे दें, सॉरी मेरे तो चार-5 दिन हो गए मुझे, तभी इसको अपना नंबर दें, इसको अपना नंबर लिख के दें, अगर ये आपके पैसे काटेंगे आपने बताना। अभी बेनजीर दफ्तर ही इधर से आई हूँ, फिर इधर से उधर गई हूँ, उन्होंने कहा आपके ना बच्चों के भी आए हैं, आपके भी 40,000 रही है, वो कहते हैं अभी जाके ले लो नहीं तो आपके फिर कटे जाने। हाँ तो जाके टोकन लो ना, वहाँ से लाइन में खड़े हो, उधर लाइन में खड़े होना तो जरूरी है ना, ये आप लोगों के लिए ये भी बंद हो जाएगा, कोई टोकन नहीं देगा, वो कह रहे हैं 44 दिन के 50 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो, कि 50 लोगों को टोकन दे रहे हैं। कल भी ऐसे होगा, आप कब की आई हैं सुबह, कब की आई हैं सुबह से, सुबह से आए हैं, सुबह से आए हैं और 2 बजे टोकन देना शुरू किया। भाई आपने टोकन कितने बजे देना शुरू किया, 2 बजे सुबह 9 बजे, 9 बजे से अब तक सिर्फ 50, सिस्टम स्लो चल रहा है, ये गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए यार, सिस्टम स्लो चल रहा है। अब देखिए खवातीन बेचारी सुबह से आकर बैठी हुई हैं, इधर आए सलाम अलैकुम, मुझे आज 23 दिन हो गए ठीक है, सुबह 4 बजे भी आई हूँ, 5 बजे भी आई हूँ, टोकन नहीं मिलते, टोकन 1 घंटे बाद देते हैं, 2 घंटे बाद देते हैं, जब टोकन देते हैं फिर इनका क्या कहना होता है डिवाइस नहीं चल रहा, यहाँ पे भी हिसाब है, वो माजा क्लेजी वाला है वहाँ पे भी हिसाब है, ये इधर आप बागनिया चले जाएँ वहाँ पे भी हिसाब है, किसी लेडीज को पैसे टोकन नहीं मिला, मुझे टोकन नहीं मिली, मुझे क्या आई, मैं तो आज आई हूँ 9 बजे की यहाँ पे, तो टोकन नहीं मिला, 50 ऑटो बस टोकन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे, टोकन पैसे लेके दे रहे हैं, पैसे ये काट रहे हैं, पैसे काट रहे हैं, आपको शिकायत मिली, अभी मैंने एक खातून का 1000 रुपया वापस दिलाया, काट लिया था इन्होंने, मैंने शर्म दिलाई है इनको, सीखी में जाके तो देखें आप उधर भी तो खवातीन खड़ी है ना, अब लाइन तो बनानी पड़ेगी टोकन के, टोकन के ऊपर तो लाइन में भी खड़े हो, खवातीन लाइन में भी खड़े हो, नहीं तो वो तो लाइन बना रहा है ना, देखिए अब अंदर सारे धक्का लगा के चले जाएंगे तो फिर आपको बात बता रही हूँ, ये ना जो लेडीज पैसे ज्यादा दे रही है ना
उनको अंदर लेके जाए। जो लेडीज ज्यादा पैसे ऑफर करती हैं कि 1000-2000 रुपया काट लें उनको अंदर भेज देते हैं, बाकी टोकन नहीं देते हैं। नाजन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आपको टोकन सिस्टम भी दिखाते हैं, जिनको टोकन मिला हुआ है उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो मुस्तहिक और ऐसे अफराद को जिनके पास ज़िंदगी में वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है एक वजीफे के तौर पर, एक बोनस के तौर पर उनकी किस्त निकलती है, उनके पैसे आते हैं, और फिर वो पैसे उनको कैसे दिए जाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट ने दावा किया था कि हम किसी की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करेंगे, हम लाइनों में नहीं लगवाएंगे, माएँ बहनें सारा सारा दिन लाइनों में नहीं लगेंगी। और आप मेरे पीछे देखें, ये पूरी की पूरी लाइन, जब मैं वहाँ से यहाँ गुजर कर आई हूँ तो हर औरत, बुजुर्ग खातून भी मुझे ये बता रही है, हम सुबह 7 बजे के, सुबह 4 बजे के आकर बैठे हुए हैं और यहाँ जलालते हो रही हैं, और वो इस तरह से हो रही हैं कि 50 लोगों को टोकन दिया जाता है, और वो टोकन जो दिया जाता है वो पैसे लेकर दिया जाता है कि जो हमसे पैसे कटवाएगा उसको हम पहले पैसे दे देंगे। 50 लोगों को सिर्फ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक डील किया जाता है, 10-20 ऊपर भी चले जाते हैं अगर दिहाड़ी ज़्यादा लगानी हो। अभी लाइव एग्जाम्पल हमने आपको दिखाई, आते साथ ही वो खातून जा रही थी, काउंटर वाले को नहीं पता था कैमरा और मीडिया हम आ रहे हैं, उसने उसका 1000 रुपया काट लिया, मैंने वो 1000 वापस दिलाया। लेकिन अब आप देखें, और आपको मैं सुनवाती हूँ, खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी, आपके अंडर ये प्रोजेक्ट नहीं आता, लेकिन चूंकि पंजाब में ये फंक्शन हो रहा है तो आप इसको मेक श्योर कर सकती हैं कि यहाँ पर रिश्वत ना हो, एक प्रॉपर सिस्टम हो, छोटी छोटी दुकानों पर ये माएँ बहनें किस तरह से ख्वार हो रही हैं, जलील हो रही हैं रोज़े की हालतों में। ये अम्मा जी मेरे पास खड़ी हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कितने बजे दे आए हो तुसी? बेटा मैं 4 बजे दी आई। सवेरे 4 बजे दी, हले तक तुहानू टोकन नहीं मिलिया, क्यों नहीं मिलिया? ओ जेड़े लेना विच दे देंदे ने 50-50 उत्ते देंदे ही नहीं। किन्ने दिना तो आ रहे हो तुसी? मैं हफ्ता हो गई। हर रोज आ रहे हो? फिर भी हेलो भाई दा ना बेटा बीमार हो गया, अस्पताल चला गया, दुकान बंद कर ते ए, मैं तो पंजाब वज़ीर आला नू यही अपील करांगी कि साडे गरीबां नू ऐसे वसाइल बनावे कि साडे मोबाइलां ते आवण पैसे, नहीं तो सानू बेनज़ीर दे काट बन जाऊँ साढ़े, असी जलील ना होइए, असी धक्के ना खाइए, मेरी यह गुजारिश है, मेरे कोई वसाइल नहीं है। सही कह रहे हैं जी, आप देखें कि रमज़ान का तीसरा अशर शुरू हो गया है और ख़वातीन रोज़ एक एक हफ्ता हो गया कि आके बैठ रही हैं। चौथी दीवार है, चौथी दीवार है, मैं रात इतने 11 बजे दे आए, भूखे पेटे रोजा रखा है, इतने सुते हो? इतने सुते, फिर भी तानू टोकन नहीं मिला? धक्का दे दे टोर छोड़े, क्यों? कल हवा है 9 बजे, वाल हो 9 बजे दे आए, वाल खड़े हैं, ਫੇਰ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸ਼ਫਾਰਤੀ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਟੋਕਨ ਕਿਨੂੰ ਮਿਲੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣਾਂ ਕੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਕਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਕਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਖਾਓ ਖਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, 2 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾਦਰਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿੰਗਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਂ ਜੀ। ਸੁਬਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਟੋਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੱਕ 10,500। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਹਾ ਕਿ पैसे कटा दो, 1000-1500 दे दो, मैं पहले टोकन ले देता हूँ, ऐसा कहा है किसी ने अभी? ये नहीं कहा, क्योंकि आगे मुझे ये कंप्लेन आ रही है, वो कह रहे हैं असि टोकन दे, टोकन दे उते दे रहे हैं, टोकन क्यों नहीं मिलते? टोकन दे से अंदर टोकन जन वापस भेज दे, इनन जे दूसरे पैसे वाले ने उनन अंदर वाड़ी जाने, वाड़ी जा, सारी गरीबा दी गल नहीं, कोई तरह बंदे लगे आ
ਦਵਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਟਾਈਪ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਖਾਤੂਨ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਉਸਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਯੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸੋਚੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਔਰ ਖੁਆਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਂਸੂ ਹੀ ਆਏਗੇ ਕਿ ਹਮ ਅਗਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਏ ਵਾਲੇ ਵਾਕਫੀ ਨੇ ਬਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਯਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਦੇਵਾ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੂਰਤ ਅੱਗੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਲਾ ਗੰਜਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਆ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਟੋਕਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 50 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੀ ਲਾਈਨ ਲਗੋ ਲਾਈਨ ਲਗੋ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈ 18ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੋਕਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ अभी मुझे बता रहे थे 49वां टोकन चल रहा है तो मैं देखती हूँ कि आगे दोबारा जो टोकन सिस्टम है वो कैसे शुरू किया जाता है दोबारा नहीं दिया बंद कर दिया सेंटर सेंटर बंद किया सेंटर ने बंद किया टोकन सुबह के बंद किए हाँ टोकन वो कह रहे हैं 50 देने के बाद जब 50 पूरे हो जाते हैं फिर हम अगले 50 होते ही नहीं पूरे वो करते ही नहीं अभी मुझे उन्होंने बताया 49वां चल रहा है अभी मैं देखने जा रही हूँ कि वहाँ पे टोकन मिलते हैं आप मैं उधर भेज आई मैं खुद से लाकर पैसे ले लो आप कितने बजे के आएंगे मैं आई सुबह 5 बजे मिल गए तुम पैसे नहीं पैसे भी नहीं मिले टोकन भी नहीं मिला उन्होंने क्या 3 बजे दी बीबी ने बैठिया ना नहीं 3 बजे दी बैठी 2 बजे दी बैठिया तू बीबी हो ना आई तू उधर पीछे खलो मैं अपनी लाइन से ऐसे बना ली एंड सी मैं उससे 5 बजे आई और जो वहां से धक्का लगा के आगे गया उनको उन्होंने 5 टोकन उसने बांट दिए बाद में टोकन नहीं बांटा 100 तो बांटना चाहिए पैसे मांगते हैं टोकन देने के नहीं अभी तक पैसे हां जब जब देते हैं ना पैसे तब काटते हैं काटते भी नहीं है हमें कहते हैं आपके पास कितने पैसे हैं हम कहते हैं 10,500 ठीक है उन्होंने पहले साढ़े ना चैनल कर लेना कितने पैसे दोगे 1500 दोगे या 2000 दोगे ठीक है उसने बाद में लेने हैं सामने नहीं लेने हैं देखिए अभी हमने लाइव एग्जांपल 1000 रुपया वापस दिलाया मैंने उस औरत का 1000 रुपया काटा था उस औरत का 1000 रुपया काटा था देखा मैंने मैंने देखा यहाँ पर ये देखे बुजुर्ग खवातीन है नाज़िम कोई शुगर की पेशेंट है कोई बीपी की पेशेंट है रोजे की हालत में और अगर रोजा नहीं रखा तो भूख प्यास से इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं अपने 10,000 रुपया लेने के लिए गवर्नमेंट एहसान कर रही है 10,000 रुपया देके लेकिन जलालत के साथ इसलिए कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है एक ठेकेदार है यहाँ पर जिसके हाथ में डिवाइस है उसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है पैसे रख रहा है उसकी मर्जी है अंगूठों के निशान रिजेक्ट कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है उसकी मर्जी है जिसको टोकन देना है जिसको नहीं देना कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा हुआ कोई मैरिट की बात नहीं हो रही कि कोई पहले आया तो उसको टोकन दे देंगे और दिन के सिर्फ 50 लोगों को कैटर किया जा रहा है जिन लोगों को ईद से पहले ये पैसे चाहिए ये वजीफा चाहिए अपना घर चलाने के लिए ईद अच्छी बेहतर गुजारने के लिए उनका क्या कसूर है अगर आप पैसे दे रहे हैं तो कोई अच्छा सिस्टम बना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड क्यों नहीं बनाए जाते कोविड के अंदर बैंक की फैसिलिटीज़ ली गई थी और बैंक के अंदर इन लोगों के पैसे आते थे क्यों वो सिस्टम बंद कर दिया गया क्यों इन कमीशन वालों को आगे कर दिया गया एक डिवाइस पकड़ा करके उनके हाथ में है किसी से 2000 या ताली किसी से 1000 रुपया रख लें और लूटते जाएं अपना कमीशन रखें अलग से जो गवर्नमेंट उनको दे रही है और फिर लोगों की पैसों में से उस मुस्तहिक लोगों के पैसों से जो उनकी किस्तें हैं पैसे रखते जाएं ये जलालत और ज्यादती इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा हाजिर थैंक यू
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी जब मैं ये बात कर रही थी, पीछे से ख़वातीन कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको याद है HBL में या एक बैंक में पैसे आया करते थे, वो सिस्टम ठीक नहीं था? आगे आ जाए, ग्रुप से आगे आ जाए। पिछले साल हमने लिए थे, ATM से निकाले थे, फिर क्यों वापस इस सिस्टम पे आ गए? अब ये 8,000 दे के ना, 10,000 इन्होंने काटा है। रिश्वतें लेते हैं जी, रिश्वतें लेते हैं। यहाँ पे एक बीबी थी, वो मुझे बता रही थी, वो कसूर से आई हैं और 5 दिन से बैठी हैं। वहाँ पीछे एक तमाशा लगा है, बदतमीजी कर रहे हैं, वो चीख रहे हैं जी, क्योंकि रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया और टोकन का एक नया सिलसिला शुरू होगा। एक सेकेंड, यहाँ से टोकन, यहाँ से मिल। अब आप देखें कि यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि जो पहले आई हैं और बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो पीछे जाके बैठ गई हैं। आगे जिनमें एनर्जी है, ताकत है, वो आगे खड़ी हैं और टोकन वो ले लेंगी और आज वो पैसे लेकर चले जाएंगी। और वो उन बुज़ुर्ग ख़वातीन की आज भी बारी नहीं आएगी, वो बार बार मुझे कह रही हैं कि पैसे ले दें। लेकिन आप ये देखें, ये सूरत हाल देखें यहाँ पर पीछे के, सिर्फ शटल खोला है कि सर मेरा काम नहीं है लाइन बनवाना, मेरा काम आपकी रिश्वत दिखाना ज़रूर है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि वो, मैं देख के आई हूँ पीछे, सहरी के टाइम से ख़वातीन आकर बैठी हुई हैं, वो पीछे ही बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, अब उनमें टोकन तकसीम किया जा रहा है, कोई सिस्टम नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला तो काम ही नहीं है ना, कि जो पहले आया उसको पहले टोकन दे दे, नहीं, जो सामने नज़र आ रहा है उसको टोकन पकड़ा दिया, 50 से 60 लोगों को कैटर किया, उसके बाद सेंटर दुकान की बंद की। सेंटर कहना इसकी तोहीन है, ये छोटे सा दुकान और काउंटर बंद किया और अपने घरों को चले गए। और मुझे तो हुकूमत भी अफसोस है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका एक वजीफ़ा लगाया हुआ है, किस लगाई हुई है, 10,500 अगर आप एक महीने का किसी को दे रहे हैं, तो ये तरीका है उसको बांटने का कि आप कमीशन, ये जो कमीशन लेने वाले लोग हैं, इनके हाथ पैसे पकड़ा दें, उनकी जो बदमाशी चले वो यहाँ पर चलाएं, जिसको मर्जी टोकन दें, जिसको मर्जी जितने मर्जी पैसे दें, तस्वीर खींच लें उसमें और उसके बाद पैसे बीच में से रख लें, ये मोहब्बत प्यार से रख लें। इधर इधर मुझे थोड़ा सा रास्ता दें ज़रा, मैं ज़रा एक मिनट एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। टोकन है, मैंने शुगर है, मैं शुगर की मरीज सुबह के आते दिखाओ एक मिनट। ये टोकन है आपका? नहीं, ये हमारा टोकन है। ये क्या है? वो कह रहे हैं यहाँ से टोकन नहीं मिला आपको, टोकन वाला माँ जी थोड़ा सा रास्ता दे, थोड़ा सा रास्ता। उन्होंने टोकन बिल्कुल दिते ने, सब नु टोकन दिते ने, लेकिन जड़ी औरतें 10 बजे 11 बजे आए ने, उन्होंने टोकन किवें मिल सकदे ने? मैं पीछे औरतें नु मिल के आई हां सवेरे 5 बजे दे बैठी हां जी, सब जुड़ा है ये। हर एक मिनट मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, मैं सामने कैमरा लगा, आप चेक कर ले कौन सी बेबी सुबह आई है, जो सुबह आती है उसको टोकन मिल जाता है और वो पैसे लेके चली जाती है। खवातीन है सर, पीछे बैठी है, रो रही है, जेन्युइन बता रहा हूं, झूठ बोल रही है, ओरिजिनल बता रहा हूं, झूठ बोल रही है, हेलो ये झूठ बोल रही है। एक और एक 5 मिनट में 20 औरतें आती है, ठीक है ना, आपके चेक कर लेना, 7 बजे देखेंगी ना, इधर 500 औरत होगी, ठीक है, 50 को मिलेगा, बाकी दुनिया भर मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, 50 टोकनों का क्या हिसाब है, क्यों? राणा जी थोड़ा सा रास्ता, हमारा कैश हमारे पास, राणा साहब आप इधर आए एक मिनट, राणा साहब कैश रखने की इजाजत नहीं है, इधर आए राणा साहब, जो हालात देख रहे हैं, हमें ज्यादा कैश रखने की इजाजत नहीं है, थोड़ा सा रास्ता दे दो। हाँ जी अब बताइए, 50 टोकन, हमें ज्यादा कैश रखने की इजाज़त नहीं है, 50 टोकनों का खत्म हुआ, 50 टोकन खत्म हुए, उतनी देर में नया कैश आ जाता है, दोबारा टोकन तकसीम कर देते हैं। एक दिन में कितने लोगों को आप पैसे दे रहे हैं? 100 एक लोगों को पैसे। तो ये जो अभी सारी खवातीन खड़ी हैं जिनकी बारी नहीं आएगी उनका क्या? मैं क्या कह सकता हूँ, जो 6-6 दिन से आकर हर रोज चक्कर लगा रही है उनका क्या? अब हमारा, अब हमें ये बताया की हमारा क्या कसूर है, हमारी कैपेसिटी एक दिन में 100 या 125 बिकी है, मैं इससे ज्यादा पैसे कैसे दे सकता हूँ, मुझे ये बता दें आप, बता दें मुझे। 6 बजे की बीबी आके खड़ी है, उनको बता रहे हैं, मैं सुबह 6 बजे आई हूँ लेकिन मुझे टोकन मिला है, टोकन मिला लाइन में ही आई है, अब इसकी बारी आ रही है, एनर्जी है ना, ताकत है, खड़ी रही है, मुझे जो बुजुर्ग खवातीन पीछे जाके बैठ गई है, जो बीबी क्या जरूरत है मेरी झूठ बोलने की, मुझे ये बताए मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने सुबह टोकन तकसीम कर दी है, अब मैंने पकड़ा, बहन मेरी बात सुनो, ठीक है, वो भी बीबी एक ही बीबी आपको इधर से कल फेक कह के गई है, वो बीबी मैं कसमिया कहता हूँ वो फेक कह के गई है, सब कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बीबी सुबह से आके बैठी है, ये बीबी है जो भी है, जो इन्होंने टोकन लिया, टोकन सारा हम ले अपने पास रखते हैं, ये मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं।
ये बात आपकी ठीक है, प्रिंट तो आपको नादरा में जाके अपडेट कराने पड़ेंगे। दोनों में फर्क होता है, आप जिनकी आ रहे हैं वो तो ले जा रहे हैं ना। तीन बजे के खड़े हैं वो चेक नहीं करवा के टोकन दिए थे, मुझे मुझे करीब टोकन दे दिए। नहीं भाई को अभी लिए नहीं आपने, ये मेरा टोकन लिया उन्होंने, भाई तीन बजे के खड़े हैं हम, क्या हो गया है आप लोगों को? सात नहीं मिला ही नहीं है, खड़े हैं सात बजे के हिसाब से। हाँ जी, पचास पूरे हो गए ना, तो बाकी बेचारे खड़े रह गए। सुबह की खड़ी है, आपने आपने टोकन नहीं दिया, आप ही झूठ ना बोले। मैं भाई यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, खलोल पर आप रसूल का वास्ता नहीं अपना, जब तक लाइन नहीं लगाएंगे ना इन्होंने टोकन नहीं देना अपने साथ, और बाकी और अभी लाइन बनानी पड़ेगी, पीछे खड़ा करते हैं लाइन बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई ना सुन रहा है ना देख रहा है, सब कह रहे हैं हमें पहले मिल जाए, हमें पहले मिल जाए, और कई घंटों से। हाँ, औरत क्यों नहीं रखी हुई? औरतें रखती है, औरतें खड़ी हो नहीं सकती इनके आगे, क्यों? ये धक्के देती है, ये देखे, ये मेरा काउंटर चेक कर रही है, ये मेरा काउंटर धक्के देके अंदर आ गए, टांग में धक्के देती है या नहीं देती है, लेकिन एक निजाम तो बनाना पड़ेगा ना। अरे कैसे समझाऊं, मर्द धक्के देते हुए बुजुर्ग खवातीन को अच्छे लगते हैं, मैंने देखा वो कैसे चीख रहा था, पहले तो हमारा कोई मर्द अभी चीख रहा था, एक भी हाथ लगा दो आपके सामने, मैं बोल रहा हूं तो चुप कर जाए ना, इतनी फेवर करने की मैं बोल रहा हूं, ये पहला सेंटर नहीं है जामे आ, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं ना पीछे हो रही है, तो औरत रखे ना, एक औरत को उसकी पे कौन देगा, खत्म में खड़े हो, उसकी पे कौन देगा, आप देंगे? इनकी पे कौन दे रहा, इनके ये पे मेरे साथ आई, पे ले रहे हैं? हाँ जी मेरे साथ आई, आप दे रहे हैं ना, दोनों पार्टनर हैं। उस मर्द को कौन दे रहा है? वो खुद ही बैठा हुआ है अपनी मर्जी से, वो मेरा, हाँ जी वो मेरी मेरी शॉप पे काम करता है, रात को इधर बैठा, वो मेरे से पैसे कमाता है इधर से, अच्छा, और रात के टाइम वो काम करता है, मुलाजिम मेरा मुलाजिम है वो, एक और अलग से एक और था यहाँ पे वो खड़ा हुआ था व्हाइट सलवार, कोई और बंदा नहीं है, जो यहाँ पे धक्के मार रहा था, आरजी खड़ा किया है वो, इधर आरजी आता है उसको भी पैसे दे रहे हैं आप? कोई पैसे देते उसको, पूछ ले उससे, एक रुपया खड़ा, वो अपनी मर्जी से खड़ा है, उसको खड़ा किया कि सिर्फ दोपहर या जो लोगों से हजार हजार रुपया रखे, कोई एक रुपया नहीं रखता, कोई भी एक रुपया ना करे, आप मैंने लाइव पकड़ा आपको, अच्छा चलिए आप ये लाइन बनवाए, लाइव पकड़ लिया तो पकड़ लिया ना भाई, कितनी बुजुर्ग है इनको लेके दें पहले, इनकी लाइन में लगने की उम्र यार माँ जी, टोकन 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 की गेम खेल रहे हैं यहाँ पे सारे लोग, टोकन मिला आपको? टोकन मिले तो मैं देंगी, तो फिर कितने बजे दे आए, सुबह भी आई है कदे भी आई है, तो टोकन के कितने देना, तो आ रहे हैं यहाँ टोकन हो गए नहीं मिलन लगे ने टोकन, इतने लाइन बनाओ ना, इतने टोकन मिलन लगे ने, वो उसका उसका एक ही रोला चल रहा है। हाय हाय माँ जी, मैं काश मैं इनको कुछ कर सकती, वही मुझे माँ जी भी यही कह रही हैं टोकन ले दें, लेकिन मैं कैसे टोकन लेके दूं, क्योंकि मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। कैमरामैन जरा घुमाकर दिखाएं, जरा राणा साहब पीछे घूम जाएं, जरा देखें सड़क के उस पार भी खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो फुटपाथ पर बैठी हुई है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है कि शायद उनके लिए भी यहाँ पर टोकन मिल जाए उनको। लेकिन मुझे लगता है कि जो सामने वाला ग्रुप है ना, जो शटल के बिल्कुल पास खड़ा है, ये टोकन ले जाएगा और वो बुज़ुर्ग खवातीन जिनमें हिम्मत नहीं है आगे आने की, लाइन में खड़े होने की घंटों, वो पीछे रह जाएंगे और उनको फिर टोकन नहीं मिल सकेगा। सब लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे टोकन ले दें, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सिस्टम ना मैंने बनाना है ना इस दुकान वाले ने बनाया है जो यहाँ पे करप्शन कर रहा है बैठ के, ये सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, और अपने अपने बनाए हुए सिस्टम का हाल देख ले गवर्नमेंट के, गरीबों के लिए जो पैसा जो फंड अप्रूव किए जाते हैं वो गरीबों को किस तरह से मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं या नहीं, उस पर कितनी रिश्वत जा रही है, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं हम। लाहौर के किसी भी बेंजीन इनकम स्पोर्ट्स सेंटर में आप चले जाएं, यही तमाशा और यही हाल आपको नजर आएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाल
आपका क्या काम है इसमें, आपका क्या काम है इसमें? ऑन रोल रखो। नहीं एक मिनट, वो जिनको नहीं बात करनी ना वो खुद बताएंगे मुझे, जिनको नहीं बात करनी वो खुद बताएंगे। कैसे आपकी जिम्मेदारी पर बैठी हुई है? नहीं आपके रिश्तेदार नहीं है, वो अपने लिए खुद बात करेंगी। और जो मुझे कहेगा कि मेरा नहीं चलाना मैं काटूंगी, मैं लाइव नहीं दिखा रही हूँ। आप फजूल की बहस ना करें ना, आप बहस कर रहे हैं फजूल में, आप फजूल में बहस कर रहे हैं। अपना मुझे मुझे खवातीन मैसेज करके बुला रही हैं कि आप आके हमसे बात करें यहाँ पे जो तमाशा करें। बात वो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप क्यों ऐसे निकल कर आ गए एकदम से कि आपने इनसे पूछा? वो हमारा काम है। कहीं जाता है ना, किसी के घर जाता है तो ऐसे ही नहीं घुस जाता। आपका घर है ये मेरा घर, गवर्नमेंट का सेंटर है ये, मेरा ये मेरी जगह, ये फिलहाल मेरी है। गवर्नमेंट इसकी तनख्वाह नहीं देती, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, गवर्नमेंट इसका किराया देती है, ये फिलहाल मेरी जगह। गवर्नमेंट आपको पे कर रही है ये सर्विसेज देने का? ये मेरा फिलहाल जगह है। आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के पैसे ले रहे हैं? आप कर रहे हो बहस, आपकी करप्शन पकड़ने आई हो तो निकल के बाहर आ गए हो। जिसको एतराज होगा वो मुझे खुद बताए, मैं काट दूंगी। तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे जी, जिसका जो दिल कर रहा है वो आके बोल रहा है और इन खवातीन बेचारों को जलील कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ मैं कहती हूँ खवातीन का भी बड़ा कसूर है, ना लाइन बनाती है ना बात सुनती है, एक जमघटा लगा लेती है जिनकी वजह से इनको भी प्रॉब्लम होती है पैसे देने में। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि कोई भी औरत 9 बजे से पहले ना आए, जो 9 बजे से पहले आएगी उसको टोकन नहीं मिलेगा। ये बात भी ठीक है, जो रात 2-2 बजे से आकर यहाँ पर बैठ जाती है और फिर 9 बजे जो आता है उनको टोकन नहीं मिलता। एक पूरा सिस्टम जो है वो मैसअप बना हुआ है, क्योंकि कोई भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने नहीं दी। और ये सूरत हाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ उसके कंपैरिजन में ये जगह थोड़ी सी खुली है, हवादार है, आराम से खवातीन बेंचों पर बैठी हुई हैं और अपने टोकन पर उनको यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। टोकन किस तरह से दिया जाता है, क्या सूरत हाल होती है, ये भाई यहाँ पर जो बड़ा गुस्से में आए थे मेरे पास उनसे पूछूंगी। आप नहीं बात करना चाह रहे, कितने पैसे दे रहे हैं ये तो बता दें, कितने लोगों को दिन में कैटर कर रहे हैं, कितने दिन में कितने लोगों को कैटर कर रहे हैं? पिछले सेंटर में खवातीन रो पड़ी, पुकार बच्ची आपने नहीं की लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, यकीन कर। अच्छा पिछले सेंटर में मैं पहुंची हूँ, सिर्फ एक औरत के 2000 उसने रखे थे, ऑन कैमरा 2000 वापस दिलवाए हैं मैंने, तो करप्शन हो रही है ना। गुजरपुरा सेंटर में भी हो रही है, तो हमने तो हर सेंटर में नहीं आया, उन्होंने और यार ठीक है, अच्छी बात है जी, नहीं कर रहे तो अच्छी बात है। आपको पैसे मिल गए? चले बारी आ गई, आप कंटिन्यू करें जी, इंटरप्ट ना करें, टाइम कम है। आप नहीं, मैं अपनी तसल्ली खुद कर लूंगी, आप अपना काम करिए, आपने बात नहीं करनी, आप अपना काम करें। अभी फिलहाल आप यहाँ पर दिखाएं कि खवातीन जो हैं वो जो अंदर मौजूद हैं, ये माजी थले बह गए, ने माजी की होया थक गए हो, परेशान हो गए, कितनी देर दे आए राणा साहब? वापस जाए उधर ही राणा साहब, उधर ही जा। अच्छा कदों दे आए हो? टोकन मिलिया तानू? टोकन मिलिया? ये वाली आप ही ना आए, उन्होंने नहीं आना कल दिन। टोकन मिलिया तानू? टोकन मिलिया? टोकन दिता इन्होंने तानू? टोकन आया है, दिखाओ कितना देखो, देता टोकन, पैसे लेते नहीं टोकन देंगे, पैसे कटेंगे ताडे, किन्ने पैसे आए ने ताडे? ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਟੋਕਨ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ? ਟੋਕਨ ਟੋਕਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? यहाँ से 50-50 लोगों को टोकन मिला हुआ है, तो थोड़ा सा रास्ता दे दे मुझे यहाँ से साइड पे, मुझे 10-10 लोगों को जाके अंदर देने। सुबह से कितने लोगों को आपने टोकन दिया? 50 लोगों को पहले दिया, उसके बाद 50 लोग क्लियर हो गए, उसके बाद 50 लोगों को क्लियर कर दिया, उसके बाद उसके बाद कितने दिए? वो कह रहे नहीं मिला 50 के बाद, हमें सुबह के खड़े हैं, सांस की तकलीफ है, किसी को पैसे नहीं दे रहे, मैं 3 घंटे हो गए खड़ी हूँ, कोई पैसे नहीं दे रहे, क्या मसला है? क्या कहते हैं 200-2000 कट रहे, 1500 रुपया काट रहे, ये क्या मसला है? आप भी अपनी जेब पर नहीं दे रहे। आपको किसी ने आके कहा कि पैसे काटेंगे?
सबके काट रहे पैसे, आप काट रहे हैं, काट रहे हैं वो अंदर, मुझे खवातीन ही कह रही है कि कोई नहीं कट रहे, खवातीन को नहीं कट रहा, माजी ये नहीं काट रहा, मैंने 3 साल हो गए लेने में, कसम चौके के अखन में एक बार भी नहीं कट रहा, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई जान, नहीं कट रहे पैसे तरीके माजी, एक मिनट मुझे बात, आप मुझे बात करने दे माजी, ये कह रहे ने नहीं कट रहे, मैं कसम चौके काटे अपने कटे ने, ना ना अभी आपके कटे हैं, आपके अपने कटे हैं, मेरी बात सुनो, मैं आज ना यहां पहली दफा आई हूं, अपनी बहू के साथ आई हूँ, उधर माल्टन में ना पैसे कट रहे हैं, अच्छा एक मिनट, एक माँ जी गल सुनो, गल सुनो, ये पीछे पिंडी स्टॉप पे एक और दुकान है ना, उधर मैंने लाइव पकड़ा, 1000 रुपया वापस दिलाया उस खातून को, वो काट रहा था, यहाँ पे मुझे ज्यादा गवाहियाँ मिल रही है, नहीं काट रहे, जो अच्छी चीज है वो भी दिखानी चाहिए, 1700 आया, 1700 की बीबी की बारी भी नहीं आई और मुँह पे तारीफ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे बेहतर काम चल रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, और बाकी जितने सेंटर्स मैंने फिरे हैं मुझे इसका निजाम कदरे बेहतर लगा, पंखा लगाया हुआ है, बेंच रखे हुए हैं इनको बिठाने के लिए, बकायदा टोकन सिस्टम के तहत अंदर लेकर जाने दे रहे हैं, हाँ जी आपके काट रहे हैं, अच्छा सबर कर लो ना, उन्होंने भी सुना तो ताड़ी सुन ली मैं, हाँ जी हाँ जी काट रहे हैं, कटे हैं यहाँ पे पैसे, किसके कटे हैं, मुझे दफा कटे थे आपके, कितने कटे थे, 1000 आप कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं 2000 कट ना, अब 2000 कट रहे हैं, सारे कह रहे हैं वो मुझे पीछे से भी उन्होंने यही कह के भेजा कि 2000 रुपए ये काट रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा गवाहियां मिल रही हैं कि नहीं काट, नहीं काट रहे, ए भाई नहीं काट रहे, आपके पीछे अब इन्होंने मुझे सबर कर लो ना माजी, ताड़ी गल हो गई, अब इन्होंने हमें भी नहीं देने, ये मैं आपको बताऊं, हमारी भी कंप्लेन, इन्होंने हमें भी नहीं देने, आपको भी नहीं देना, क्योंकि मैंने कह दिया, आपने कह दिया, आप इधर खड़े हो कह रहे हैं सुबह आके शाम तक, काश मैं कर सकती, हाँ और मैं मुसलसल ये कर रही हूँ कि सेंटर्स पर जाकर जिनके पैसे कटते हैं वापस दिलाती हूँ, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए कि हमारी माओ बहनों को किस तरह ये जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं, रोजे की हालत में, वो मुझे राजी कह रही रोजा है मेरे से बोला नहीं जा रहा, कब से गर्मी में ये खवातीन आकर खड़ी है, बैंक अकाउंट में क्यों नहीं भेजते, क्यों क्यों करप्शन के ये दर खोल देते हैं इन छोटे छोटे सेंटर्स में, जहाँ पर ये खवातीन बेचारी शहरी से आकर रात 2 बजे से आकर लाइनों में लग जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, और फिर जिसका बस चलता है धक्का लगा के वो आगे चला गया, टोकन ले लिया और पैसे ले लिया, और फिर जब काउंटर तक पहुंचती हैं तो मुख्तलिफ, जैसे आपको अपने गुजरपुरा में दिखाया था, अभी पिंडी स्टॉप के पहले स्टॉप में दिखाया, यहाँ पे भी खवातीन कंप्लेन कर रही है, ज्यादातर ये कह रही है पैसे नहीं काट रहे, लेकिन यहाँ पर भी शिकायत है कि पैसे काटते हैं, तो क्यों इनके हाथ में ये तमाम सिस्टम दिया हुआ है, क्यों नहीं गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती, एक सिस्टम बना देती, ना लाइनें लगाते हैं, तमाशा लगाया हुआ है यहाँ पर, खवातीन बेचारी मैं जाती हूँ तो मुझे कहना शुरू हो जाती, आप यहाँ पर खड़ी हो जाएं, हमें पैसे पूरे मिलना शुरू हो जाएंगे, मेरा काम है ये हुकूमत का काम है, हुकूमत अगर अपने फंड्स में से पैसे रख रही है इन खवातीन के लिए तो उनको मिल कैसे रहे हैं ये दिखाना हमारा काम है, और उस पर अमल करना और उस पर एक्शन लेना ये हुकूमत का काम है।